बताइए जिन साहब कौन सा स्टॉक चुना है आपने? बिल्कुल एक बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक है किर्लोस्कर फेरोस इंडस्ट्रीज, और किर्लोस्कर ग्रुप के मैंने तीन स्टॉक पहले भी रेकमेंड किया हुआ है, किर्लोस्कर न्यूमेटिक, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज एंड किर्लोस्कर ऑयल इंजन, और ये तीनों ने धमाल मचाया हुआ है। अब किर्लोस्कर फेरोस देखिए ऑलरेडी आयरन एंड स्टील और मेटल जबरदस्त धूम मचाए हुए हैं, और काफी स्टॉक्स इस सेगमेंट से हमने सबने रेकमेंड किया हुआ है, और मैं ये कहूंगा कि 1991 से कंपनी कार्यरत, और ये पिग आयरन और फेरस कास्टिंग्स में बहुत बड़ा नाम है, इंडिया में वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स है, और मैं जो पेडिग्री की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग रेटिंग, स्ट्रॉन्ग पेडिग्री, ये सब तो सारी चीजें हैं, बट फंडामेंटल्स ऐसे एक मेटल कंपनी के ऐसे होते हैं वो एक्चुअली में इट इज अनबिलीवेबल। पिछले तीन चार क्वार्टर, पांच क्वार्टर गोल्डन गए, जून का क्वार्टर लाजमी है कि खराब जाएगा लास्ट जून, बट मार्च 2020 में दिखने लग गया था कि ये कंपनी जबरदस्त परफॉर्म करने वाली है। 25 से 40 करोड़ हर क्वार्टर में कमाती थी इतने सालों से या कई सालों से, और अब ये देखिए 70 करोड़ का पैट था मार्च 2020 में, उसके सामने मार्च 2021 वाले क्वार्टर में 171 करोड़ का पैट, और 85 करोड़, 120 करोड़, 171 करोड़, ये लास्ट थ्री क्वार्टर्स के पैट्स है। तो इस तरीके का स्ट्रॉन्ग मतलब रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स दिए, और हाईएस्ट एवर एनुअलाइज प्रॉफिट्स 300 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो इस तरीके का आप प्रॉफिट का फिगर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35%, रिटर्न ऑन इक्विटी 35%, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग और 15% करीब एफआईआई डीआईआई इसका होल्डिंग है। मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए इन लेवल्स पे, और आराम से इस स्टॉक को 270 280 तो नॉर्मल टारगेट्स हो गए, अब मुझे लगता है कि 300 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉक को आराम से लिया जा सकता है। चलना चाहिए किर्लोस्कर फेरस, इसके चार्ट पर भी एक बार राय ली जा सकती। बंसल जी, किर्लोस्कर फेरस चार्ट ढूंढ कर देख सकते हैं आप? नहीं अनिल जी, बिल्कुल देख सकता हूं, ये स्टॉक ऑलरेडी